नमस्कार, मैं हूं नरगिस शेख, न्यूज 5M जमशेदपुर। अभी मैं मौजूद हूं मानगो इस्लाम नगर रोड नंबर 13। लोग देखते हैं कि ये पानी दो घंटे लगातार बारिश के कारण से कैसे घरों में पानी घुसा हुआ है। ये यहाँ पे कितनी मुश्किल हो रही है। घरों में देख रहे हैं आप, पानी पूरी जमी हुई है। लोगों को सोना, उठना, बैठना, खाना पकाना बहुत मुश्किल हो रही है। आइए घर के लोगों से हम लोग बात करते हैं। एक घंटा डेढ़ घंटा जैसा बारिश हुआ है, बारिश के कारण पूरे घर में पानी घुस गया है। पीछे नली से भी आता है, रोड बना है अभी हाल फिलहाल में ही, लेकिन रोड अच्छा नहीं बना है, जो कि कचरा भरा के रोड को उठना चाहिए था, उठाया नहीं गया, जैसे तैसे बना दिया गया। तो एक घंटा डेढ़ घंटा के बारिश में ये है कि हम लोग के घर में पूरा पानी घुस गया है। तो जब बरसात आएगा, साइक्लोन लगेगा, तो फिर हम लोग का क्या हाल होगा। अभी खाना पकाना, सांप बिच्छू, छोटा छोटा बच्चा है, अगर किसी को काट ले, किसी का जान चल जाए, तो इसका कौन कारण बनेगा। अभी बहुत ही दिक्कत हो रहा, पानी निकलेगा कैसे, घर नीचा हो गया पानी, रोड को एकदम डाउन करके ऊंचा करना चाहिए था। कितने टाइम में बना था घर का हालत, कितना टाइम हो गया ये बन के? अभी ज्यादा नहीं, 4 महीना होता होगा, अक्टूबर नवंबर के आसपास में ही शायद बना है ये, ज्यादा टाइम हो नहीं रहा। रोड को उठना चाहिए था, उठाया नहीं गया, जैसे मन किया बना के चले गए। अभी परेशानी हो रहा, तो इसका रिजल्ट कौन भुगतेगा। अभी तो पानी घुस गया है, सांप बिच्छू हर चीज का तकलीफ है, छोटा छोटा बच्चा को इन्फेक्शन का डर है, कुछ भी काट ले, अभी खाना पकाना हर कुछ। तो हम लोग बस यही चाहते हैं कि रोड को, ईटा को कबारा जाए और फिर से रोड को बनाया जाए। देख रही है, ये रोड तो बन चुकी है, बट यहाँ पे आने जाने लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है। पूरे पानी पूरा जमा हुआ है बस्ती में, कम से कम यहाँ से 200 घर डूब चुका है। तो हम पूछते हैं कि ऐसा कब तक चलेगा, एक घंटा के बारिश में यह हाल हुआ है। जब बरसात आएगा तो कौन इसका जवाब देगा। आप देख रहे हैं, ये हम लोगों की कितनी पैर यहाँ पे डूबा हुआ है। मतलब अगर आगे जाएंगे तो आगे पूरा और ज्यादा से ज्यादा घर पूरा डूबा हुआ है। ये नगर निगम जी से प्रयास है कि आप देखें, इसमें पहल किया जाए, नहीं कुछ होता है ईटा को कबारा जाए, क्योंकि ये रोड बन के कोई फायदा नहीं है। इसमें तो हम लोग का नुकसान है, किसी का जान भी जा सकता है। अगर सांप बिच्छू, नली का पानी आ रहा है, जाहिर सी बात है कीटाणु फैलेगा, इन्फेक्शन होगा, सांप बिच्छू आएगा, किसी के कान में घुस गया, मुंह में घुस गया, बच्चा लोग का जान चली गया, बड़े का जान चली गया, इसका जवाब कौन देगा। रोड किसके लिए बनता है, पब्लिक को आराम देने के लिए। तो पब्लिक को, आने जाने वालों को भी परेशानी है, यहाँ अगल बगल वालों को परेशानी है, घर में पानी घुस जा रहा है। अभी साफ सफाई, खाना पीना, तो उतना तो हम लोग अमीर है नहीं, मिडिल क्लास है, गरीब घर के हैं, अगर रहता तो बिल्डिंग ठोक लेते।